नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया है आपके केमिस्ट्री का, तो इसका जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हमने बायोलॉजी का ही पूरा कंप्लीट लेक्चर्स इसका बना दिया है, तो आप लोग जो उसको भी देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने बनाया हुआ है और साथ में पीडीएफ भी देखिए, हमने जो है इन दोनों सब्जेक्ट का ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया, केमिस्ट्री का भी और साथ में बायोलॉजी का भी, और फिजिक्स का भी जो है आपको जल्दी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एग्जामिनेशन से पहले आपका यहाँ पे कंप्लीट जनरल साइंस जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखिए स्टडी किया था हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जो उसको अच्छे से कवर करना। तो आज का देखिए जो पोर्शन है आपका, इसमें हम लोग देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो फैक्ट्स रहेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग है आपका ये क्या होता है, और जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग जो क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कोई भी एटम रहता है, जैसे कि कोई भी आपका पार्टिकल जो रहते हैं, एटम हो गया आपका, या फिर जो कोई मॉलिक्यूल्स या फिर जो आयन्स रहते हैं, वो चाहे डिफरेंट एनिमल्स के हो, जो डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स रहते हैं, तो वो सारे के सारे चाहते हैं कि हम अपना एक स्टेबल हो जाए। आप लोग भी चाहते हैं कि अपने लाइफ में हम भी स्टेबल हो जाए, जॉब पा के और भाई जो भी रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो उसी तरीके से जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स और जो रहते हैं आपके, तो ये जो है चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। स्टेबल कहने का मतलब रहता है यहाँ पे कि वो अपना जो उसके जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, कोई भी आपका जैसे कि मान लीजिए एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वो चाहते हैं कि मेरा लास्ट का जो ऑक्टेट रहता है, मतलब उसका वो ऑक्टेट पूरा हो जाए, लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे 8 रहे मेरा। तो इसके लिए जो है वो केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, मतलब वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इसमें, जिसमें कि जो वेरियस जो कंस्टिट्यूएंट जो रहते हैं, वो चाहे आपका एटम या आयन्स हो गया आपका, जिससे कि वो जो है आपस में आके मतलब एक फोर्स के चलते आपस में होल्ड करते हैं और साथ में स्टेबलाइज हो जाते हैं आपस में मिल के। तो ये जो ओवरऑल जो लॉस होता है, इसमें एनर्जी के भी कुछ लॉस होती है यहाँ पे आपका, जैसे केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, तो ओवरऑल जो यहाँ पे स्टेबल जो हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है उनके बीच में होती है, जिसके चलते वो आके स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टेबलाइज करने का मतलब ये रहता है कि जैसे कोई एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर जो डिफरेंट जो एलिमेंट का रहेंगे, वो चाहे आपका कोई भी हो, बस नोबल गैस को छोड़ के, क्योंकि देखिए जो नोबल जो एलिमेंट होते हैं, तो वो ऑलरेडी उनका जो है ऑक्टेट पूरा हुआ रहता है, यानी कि जो लास्ट उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो रहता है आपका लास्ट सेल में, तो वो पूरा फिल्ड रहता है, तो वो जो है ऑलरेडी वो स्टेबल रहते हैं। लेकिन जिनका स्टेबल नहीं होते, मतलब जिनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो वो चाहते हैं कि वो दूसरे से कंबाइन करके अपना जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। तो इस प्रोसेस में जो कंप्लीटिंग होता है ऑक्टेट का, यानी कि जो कंबाइन करते हैं यहाँ पे जो अदर एलिमेंट के साथ में, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू डेफिनेशन बस जानना है कि एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन अगर आपका होता है, तो इसमें देखिए जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, तो वो फॉर्म होगा आपका यहाँ पे बिटवीन टू और मोर एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स के बीच में, या किसी के बीच में भी आपका हो सकता है, दो एटम दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो आयन्स रहेंगे आपके, तो वो जो है आपस में मतलब केमिकल बॉन्डिंग करते हैं यहाँ पे, और अपना जैसे फॉर्मेशन करेंगे, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे यहाँ पर आपका, और उससे फिर एक नया जो आपका होगा केमिकल कंपाउंड आपका बनेगा। तो ये जो हो रहा है प्रोसेस टोटली ओवरऑल, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो ये कैसे कैसे होता है, किस टाइप से होते हैं, तो ये सारा चीज़ टाइप्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ होता है कि जैसे कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, तो इससे ये पता चलता है यहाँ पे कोई भी केमिकल कंपाउंड जैसे कि आपका यहाँ पे बन रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि वो कितना स्ट्रेंथ का हो, लाइक उसके अंदर कितना स्ट्रांग है, जितना स्ट्रांगिंग बॉन्ड होगा उनके बीच में, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो कंपाउंड आपका है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा केमिकल कंपाउंड्स के बीच, मतलब जो आपके रहते हैं ये सारे जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जो भी रहेंगे, तो वो उतना ज़्यादा कंपाउंड मतलब जो रहेगा आपको वो स्टेबल रहेगा। और इसी का अपोजिट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि जैसे अगर केमिकल बॉन्डिंग अगर मान लीजिए कि दो कंस्टेंट एलिमेंट के बीच में होती है, लेकिन वो जो है वीक है, यानी कि वीक उनके बीच में है जो अट्रैक्टिंग फोर्स होती है वो एक्चुअली में, तो इससे क्या होगा जो केमिकल कंपाउंड आपका यहाँ पे जो फॉर्म होगा, तो वो स्टेबिलिटी उतना नहीं रहेगा उसमें, यानी कि वो जो है स्टेबल नहीं रहेगा एज कंपेरिजन टू जिसमें कि ज़्यादा स्ट्रोंगर मतलब जो बॉन्डिंग होगी। तो इससे क्या होगा यहाँ पे कि ये जो है फिर और अदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा स्टेबल हो सके। तो
तो ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है। तो देखिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का जो डेफिनेशन क्या होता है और ये क्यों रिक्वायरमेंट होती है और किस लिए करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे ओवरव्यू देखा। अब हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि केमिकल जो बॉन्ड आपका होता है तो ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, मतलब किस टाइप से जो है ये आपका फॉर्मिंग होती है, इस टाइप का बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए मेनली 3 टाइप्स के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, जिसमें कि आपका पहला है इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्डिंग, दूसरा आपका है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये देखिए कोऑर्डिनेट जो आपका होता है ये एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्डिंग जो रहता है आपका, तो उसी के ही आगे और मतलब है उसी से ही ये आपका होता है स्टडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेनली हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है आयोनिक बॉन्डिंग। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो इसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होती है, यानी कि एक ऐसा मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके जो बॉन्डिंग बने मेरा एक एटम से मतलब दूसरे एटम से, तो उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर इसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं हम लोग। आप इसको सिंपल देखिए यहाँ पे फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो मतलब ये जो है आपका, आप देखिए इसका दो मतलब इलेक्ट्रॉन है पहले सेल में और बाकी जो आउटर सेल में इसका एक है, और वहीं पे दूसरा आपका एक और एलिमेंट आपका यहाँ पर है जो कि इसमें देखिए पहला जो इसका सेल है इसमें 2 है और बाकी जो बाहर के जो सेल आपका इसमें 7 है इसका। तो ये एग्जाम्पल आपका है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल NaCl का हमने लिया हुआ है यहाँ पर आपका, NaCl नहीं मतलब कोई भी एग्जाम्पल आपका हो गई है। तो इसमें देखिए किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे देखिए कितना है इसका, तो ये 7 है। तो अब चाहेगा कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरा या तो 8 हो या फिर 2 हो, तो वो जो है स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इलेक्ट्रॉन अपना ये ट्रांसफर कर देगा इसको, तो ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे और फाइनली ये जो है अपना स्टेबल हो जाएगा, और ये भी फाइनली अपना स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग मतलब फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रोवेलेंट के केस में। तो यहाँ पे सिंपली यही है कि ट्रांसफर हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से होता है आपका यहाँ पे कि जो आपका मतलब कि जो आयन जो ऑब्टेंड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद, तो उनका कॉन्फिग्रेशन इनर्ट गैस के जैसी हो जाती है। इनर्ट गैस का जो कॉन्फिग्रेशन होता है तो उसमें जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं तो उसमें या तो 2 या फिर 8 हो जाएगा एक्चुअली में ये रहता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं जैसे कि NaCl है आपका, तो ये देखिए एक्चुअली ये मतलब स्टेबल हो चुका है NaCl, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे Na है आपका और Cl है, तो इसका देखिए जो रहता है आपका सोडियम का 11 रहता है तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लोरीन का 287 रहता है। तो यहाँ पे जो है आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है सोडियम को जाके क्लोरीन में ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा। और फाइनली देखिए जो इसका यहाँ पे था आपका सोडियम का, तो ये एक लॉस हुआ तो इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 8 हो गया। तो इस तरीके से दोनों स्टेबलाइज हो गए। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके हो रहा है, और देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है किसी को तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और बाकी जो लेता है तो वो फिर निगेटिव चार्ज हो जाता है उसके ऊपर में। तो ये दो चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया जा रहा है आपका सोडियम के द्वारा और एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे क्लोरीन कर रहा है, तो ये चीज़ है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का केस। तो ये है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर जो है आयोनिक बॉन्डिंग। तो ये तो इसका देखिए डेफिनेशन हो गया और कैसे होता है तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके आते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं तो उनसे रिलेटेड, तो इसका कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं मतलब जो भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होते हैं, तो इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है कि देखिए जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो बनता है आपका या फिर जो आयोनिक बॉन्डिंग आपकी होती है तो ये जो है हमेशा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आपका मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी कि एक मेटल आपका होगा और एक नॉन मेटल होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सोडियम आपका मेटल और क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल है। तो ये दो मतलब रहेंगे ऐसे कंपाउंड कि जो एक मेटल होगा और दूसरा मतलब आपका नॉन मेटल होगा, ये एलिमेंट एक्चुअली में रहेंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो आपके रहते हैं जो बनेंगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और साथ में जो बॉइलिंग पॉइंट होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और इसके साथ साथ में देखिए जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आपके रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के भी ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जब इनको डिजॉल्व करते हैं हम लोग वाटर में, क्योंकि देखिए इसको जब मतलब कि अगर ऐसे रहेंगे तो उनमें आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ये वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो आयन की फॉर्मेशन होती है और साथ में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं,
और इसके साथ में देखिए वाटर में इनको सॉल्यूबल मतलब ये होते हैं, एक्चुअली में ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके जरूरत है जैसे कि अल्कोहल तो उसमें ये नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला देखिए जो आपका बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके होती है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका होगा दो एटम्स के बीच में, जिसमें कि जो आपका एटम जो फॉर्म आपका रहता है यहाँ पे केमिकल जो आपका बॉन्डिंग बनती है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो आपके रहते हैं यहाँ पे तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस का वो अचीव कर लेते हैं, यानी कि जो उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो जितना होता है आपका इनर्ट गैस का तो वो उतना हो जाता है। तो इस तरीके का जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपका हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, यानी कि आपस में शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे दो एटम्स के बीच में, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन एटम आपका बाकी चार हाइड्रोजन एटम है, तो आपस में जो है ये अपने शेयरिंग करके जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। अब जैसे कार्बन है तो इसका देखिए आउटर मोस्ट जो इसका जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो चार रहता है, और यहाँ पे देखिए आपका जो है दिया हुआ है ये कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक रहता है, तो यहाँ पे जो है इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लिया, और जो ऑक्सीजन और बाकी जो कार्बन आपका है तो इसने भी अपना ऑर्बिट में जो है शेयरिंग करके, चार था पहले लेकिन इसने चार जो है इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उसके चलते इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके चलते यहाँ पे जो है वो स्टेबल हो जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते जो बनेगा आपका बॉन्ड तो उसे बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सा यहाँ पे आपका डेफिनेशन है इसका। तो देखिए जो कोवेलेंट बॉन्डिंग आपका जो बनता है तो ये आपके बहुत तरह से होते हैं, जैसे कि कुछ सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल बॉन्ड भी होता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं आपके। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि जो शेयरिंग पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक है जो केमिकल जो कोवेलेंट कंपाउंड जो आपके होते हैं जो फॉर्म होते हैं उसके क्या क्या होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है। तो देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं आपके तो ये जो है आपका ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन आपने देखा था कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है तो वो आपको सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जस्ट उल्टा आपको कर देना है यहाँ पे, ये इनसॉल्युबल होंगे ये वाटर में, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं कि जिसमें कि जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड रहता है तो ये सॉल्युबल होते हैं। तो जस्ट उल्टा है आपका यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड आपका रहता है तो ये देखिए जो लिक्विफाइड स्टेट आपका रहता है, और या तो फिर देखिए जब सॉल्यूशन जो रहता है इनका यहाँ पे लिक्विफाइड स्टेट में तो ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन आपने देखा था वहाँ पे कि जब वाटर में डिजोल्व किया था आयोनिक कंपाउंड को तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये जो है आपका बैड कंडक्टर होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, क्योंकि देखिए इन सारे स्टेट में जो आपका रहता है कोवेलेंट कंपाउंड आपका यहाँ पे कि इनमें कोई भी आयन का प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो उनमें आयन का प्रोड्यूस होती है, इसके चलते वो कंडक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे। लेकिन देखिए कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल कंपाउंड आपके होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में भी आपके होते हैं जिनका जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ HCl का और NH3 का, तो ये देखिए जब एक्वस सोल्यूशन में जब ये रहते हैं अपना तो उस समय ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें आयन्स का प्रेजेंस होती है। तो ये दो एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। तो मेनली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही चीज़ आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, पूरे डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है बस आपको उतना ही स्टडी करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि जैसे मान लीजिए दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ये जब देखिए प्रोड्यूस होंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर आपका कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दो ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पे, तो इससे भी आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद देखिए जो तीसरा टाइप आपका है तो वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पर आपका। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो आपका रहता है यहाँ पे तो ये देखिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं इसमें आपका, तो ये उस समय आपके ऑप्टेंट होते हैं कि जिसमें कि केवल एक सिंगल एटम आपके रहते हैं। तो एक्चुअली देखिए इसमें बॉन्डिंग आपका होता क्या है यहाँ पे कि इसमें जो एटम है आपका जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को तो उसको बोलते हैं हम लोग डोनर पेयर बोलते हैं हम लोग, और जो एटम इसमें रिसीव करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो उसको बोलाता है एक्सेप्टर। तो इस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेटेड होते हैं यहाँ पे डोनर एटम के द्वारा तो उनको हम लोग बोलते हैं सिंगल एटम पेयर एटम बोलते हैं एक्चुअली में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आपका देखिए इसमें दोनों आपके हो सकते हैं एक साथ में, मतलब कि केमिकल बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड दोनों आपके होते हैं एक्चुअली में। अब इसमें देखिए मेनली साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आपका यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखिए साइन कोवेलेंट मेनली इंपॉर्टेंट है आपका इसलिए कि इसमें जो बॉन्ड का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका रहता है तो उसको जो है एरो से शो किया जाता है,
और इसमें कन्वेंशन जो फॉलो करते हैं हम लोग कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है आपका तो उसको जो है हम लोग दिखाते हैं डोनर एटम में, और साथ में जो नेगेटिव चार्ज हम लोग दिखाते हैं वो एक्सेप्टर एटम के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आयन आपका एक है कार्बोनेट आयन, और दूसरा आपका यहाँ पे देखिए अमोनियम आपका है, तो ये एग्जाम्पल है आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। तो जिसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस साइन, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर आपका, तो ये जो आपका होगा यहाँ पर ये एक्सेप्टर एटम है, मतलब कि इसने एक्सेप्ट किया हुआ। और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है अमोनियम का जिसमें कि इसमें दिखाया गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है डोनर एटम है यानी कि इसने डोनेट किया होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा देखिए एरो के साथ में दिखाया गया जो कि आपका ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग का। तो एक्चुअली इसमें जो है आपका इसमें आपका इलेक्ट्रो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एक साथ होते हैं। अब भाई हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके प्रीवियस आरआरबी के क्वेश्चन में पूछे गए थे, हालांकि ग्रुप डी में ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि द बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग द लार्जर एटम्स आर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफाइड वर्जन में ना पूछ के थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स किया गया यहाँ पर आपका, कि जो बॉन्ड जो फॉर्म होती है एलिमेंट्स के बीच में और जिनमें कि लार्जर एटम्स होते हैं, तो उनमें कैसी होती है फोर्स, उसका कैसा होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक, वीकर या स्ट्रॉन्गर। तो देखिए जो बॉन्ड आपको फॉर्मेशन होता है जिसमें कि एलिमेंट जो है वो उनके बीच में लार्जर एटम्स मतलब होते हैं, डिस्टेंस जो होते हैं लार्जर, तो उसका क्या होगा, उनमें बहुत ही वीक होती है यानी कि फोर्स जो होता है तो वो बहुत ही वीक होती है। तो इसका देखिए राइट आंसर टू होगा, बट आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जो फिनोमिना वो आपको समझना है। तो देखिए जो आपका केमिकल बॉन्ड होता है तो एक्चुअली में ये एक फोर्स होता है, और फोर्स वो आपका हो गया जिससे कि जो एटम जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के, तो वो आपस में एक दूसरे से हिल गए हुए रहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है आपका तो उसमें क्या होगा कि जब आपस में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा रहेगा उनके बीच में तो उनको ज़्यादा अच्छे से होल्ड किए हुए रहेंगे। लेकिन अगर यही जो है आपका मान लीजिए कि डिस्टेंस अगर एटम्स के बीच में इंक्रीज करते जाएगा, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स आपका रहता है बिटवीन जो मतलब रहते हैं केमिकल बॉन्ड के बीच में, तो वो डिक्रीज करता ही जाएगा। तो यही सेम चीज़ है आपका यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेना है कि जो केमिकल बॉन्ड जो आपका होता है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के, यानी कि ये मतलब हो गया यहाँ पर आपका कि जैसे एटम्स जितना लार्जर होंगे तो उनका जो है डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो ही जाएगा। तो इस तरीके से जो केमिकल बॉन्ड जो फॉर्मेशन आपका हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है आपका वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके चलते उनमें जो केमिकल बॉन्ड होगा आपका तो वो वीकर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर लार्जर एटम है तो उनमें जो फोर्स होगा आपका तो वो वेरी वीक होगा, मतलब कि जो बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा आपका तो वो बहुत ही वीक होगा, क्योंकि तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा तो वो जो है आपका वीक होगा, मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वो बहुत ही कमजोर होंगे, वीक होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन टू आपका होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया हुआ है, तो अगर आपने पढ़ा होगा जो भी हमने आपको बताया यहाँ पे तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम। तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका सही है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड आपके होते हैं तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बनते हैं जो बॉन्डिंग एटम्स होते हैं, तो ये भी आपका जो है दिया हुआ ऑप्शन है सही है। फिर देखिए बी सी में आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड आपके होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। फिर अगला देखिए डी में दिया हुआ है कि हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए जो कोवेलेंट कंपाउंड आपके होते हैं तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ये भी लो होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है कैरेक्टरिस्टिक जो आपका था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का और साथ में जो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं आपके तो वो उनके बीच में कैसी होती है, तो वो जो है पूछा गया हुआ है। तो आयोनिक कंपाउंड और साथ में जो कोवेलेंट कंपाउंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है तो वो आपको याद रखना है, और जस्ट रिवर्स का आप लोग कर सकते हैं कि जैसे अगर जो आयोनिक कंपाउंड जब होते हैं तो वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो कोवेलेंट जो है आपका वो पुअर कंडक्टर होंगे। और बाकी देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आपका रहता है आयोनिक कंपाउंड का वो हाई होता है, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होती है इनका जो है लो रहेगा। तो आप उसको जो है उल्टा करके भी याद कर सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इज नॉट अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो इसमें से कौन सा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आपके रहते हैं तो वो जो है आपका क्या होता है, वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते होती है, और उसमें कोई भी आप देखिए उसमें आयन आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जो आपका आयोनिक बॉन्ड आपका फॉर्मेशन जो होता है तो उसमें देखिए आपको चार्ज भी देखते हैं वहाँ पे आप, और उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते होती है। तो इन सभी में आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ जैसे कि ये जो आपका हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते, इसमें भी शेयरिंग करके हुआ है, इसमें भी शेयरिंग करके हुआ है, तो ये सारे जो आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है
लेकिन जो ऑप्शन फोर आपका दिया हुआ है तो ये जो है आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर देख के भी आप बता सकते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपाउंड्स फॉर्म्ड कि व्हेन Ag प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन। तो यहाँ पे सिंपल आपसे एक फॉर्मूला पूछ लिया, मतलब एक डेफिनेशन पूछ लिया यहाँ पे कि जो है ये दोनों आपस में मतलब रिएक्शन पूछा हुआ है कि ये जब कंपाउंड जो है कौन सा फॉर्मेशन होगा जब ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Ag प्लस है और Cl माइनस है, तो सिंपल सा है कि ये आपका सिल्वर क्लोराइड आपका बन जाएगा, क्योंकि जो सिल्वर आयन आपका है ये जब रिएक्ट करता है क्लोराइड आयन के साथ में तो यहाँ पे जो है आपका सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, और साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में सिल्वर क्लोराइड का, तो वो फॉर्मेशन होगा आपका। तो राइट आंसर इसका सिंपल है आपका ऑप्शन फोर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो बाकी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप कर सकते थे, यहाँ पे आर्गन आर्गन आपका दिया था तो इसमें देखिए आर्गन तो इसमें आपका है ही नहीं, Ag आपका होता है ये सिल्वर का होता है, और बाकी इसमें सिल्वर क्लोरेट है लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा सिल्वर क्लोराइड आपका होगा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर आपका होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको नोट करना है केवल, ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमने आपको बताया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है वो सिर्फ वही पॉइंट पढ़ के जाना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो इसमें आप बहुत ही डेप्थ में भी पढ़ने जा सकते हैं यहाँ पे, तो उतना आपके लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारा चीज़ 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो वो चीज़ जो है आपका ज़रूरत की चीज़ नहीं है। 11th 12th में आपने खूब अच्छे से उसको पढ़ा होगा डेप्थ में, जितना रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ वही हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का जितने देखिए इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट्स थे रिलेटेड आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, तो वो हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम इसी तरीके से आगे भी जो है आपका लेक्चर हम लाते रहेंगे, और PDF देखिए इसका ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।